संलाप करेंगे। पहला संलाप है गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया कर्मन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेया। इस श्लोक में गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है कि जिस व्यक्ति के पास गुण है वो गुण ही बने रहते हैं, लेकिन अगर वो निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वो दोष युक्त हो जाते हैं। और यह श्लोक सुक्ति मंजरी नाम ग्रंथ से संकलित है और इसके कवि पक्षमेंद्र जी हैं। गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति, गुण गुणेशु गुणियों में ही गुणा गुण भवन्ति बने रहते हैं, यानी गुण गुणियों में ही गुण बने रहते हैं। ते वे गुणी या गुणी व्यक्ति निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा दोष युक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से नद्य नदियां सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल पर भवन्ति उत्पन्न करती हैं, परंतु समुद्र असाध्य समुद्र में असाध्य मीन्स मिलकर अपेया न पीने योग्य भवन्ति हो जाती है। अब दूसरा संलाप करेंगे साहित्य संगीत कला विनिमय साक्षात पशु कुछ विषाण ही है तेलम न खादन अपि जीव मान है तद भाग देयम परमम पशुनाम। इस श्लोक में साहित्य और कला के महत्व का वर्णन किया गया है कि जिस मनुष्य को साहित्य और कला का ज्ञान नहीं है वे अपने जीवन को उसी प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं जिस प्रकार से पशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साहित्य संगीत और यह जो श्लोक है इस श्लोक को नीति सप्तम नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है और इसके कवि भर्तृहरि जी हैं। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य कुछ विषाण ही है बिना पूछ और सीन से साक्षात पशु के समान है। साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य बिना पूछ और सीन के पशु के समान है, यानी साक्षात पशु है। तृणम न खादन अपि जीव मान है, तृणम तिनका या घास खान मान अपि नैमिस नहीं खादन अपि न खाते हुए भी जीव मान है जीवित रहता है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। परमम तद भागदेयम परमम पशुनाम, तद वह तो पशुनाम पशुओं के लिए परमम अत्यधिक भागदेयम सौभाग्य की बात है। अब हम तीसरा संलाप करेंगे लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नश क्रियस्य कुलम अर्थप्रस्य धर्मे विद्या फलम यस्मिन् कृपणस्य सौख्यम राज्यम कर्मद सचिवस्य नर अधिपस्य। लुब्धस्य लोभी मनुष्य का यस लोभी मनुष्य का यस पिशुनस्य चुगलखोर की मैत्री मित्रता नष्क्रियस्य निकम्मे का कुलम कुल अर्थात जो आलसी है कोई काम नहीं करता निकम्मे का कुल अर्थप्रस्य स्वार्थी का धर्म धर्म विद्या फलम व्यसनी है बुरी लत वालों का विद्या भी फल कृपणस्य कंजूस का सौख्यम सुख राज्यम परमत सचिवस्य परमत मंत्री वाले राजा का परमित मिस आलसी जिसका राजा का जिस राजा का मंत्री आलसी है उस राजा का नराधिपस्य राजा का राज्यम राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ लुब्धस्य नश्यति यस्य लोभी मनुष्य का यस पिशुनस्य मैत्री चुगलखोर की मित्रता नष्क्रियस्य निकम्मे का कुल अर्थप्रस्य धर्म स्वार्थी का धर्म विद्या व्यस्मिन् बुरी लत वालों का विद्या रूपी फल कृपणस्य कंजूस का सौख्यम सुख राजन परमत सचिवस्य नराधिपस्य परमत सचिवस्य आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है। नश्यति जो शब्द है सभी के लिए एक ही बार आएगा। अब हम फोर्थ संलाप करेंगे पित्वा रसम तू कटुंकम मधुम समानम माध्यमेव जन्येत मधुमक्षिका असौ संत स्थापे सम सज्जन गुरुजनानां श्रुत्वा वचे मधुर सुप्त रसम सृजंती। इस श्लोक में बताया गया है जिस प्रकार मधुमक्खियां कड़वे रस को पीती हैं और मधुरता यानी शहद का निर्माण
उसी प्रकार से सज्जन लोग भी दुर्जन व्यक्तियों के कड़वे वचनों को सुनते हैं और मधुर सुक्त के रस वाली वाणी का निर्माण करते हैं। और यह शिशुपाल वध महाकाव्य से लिया गया है और इसके रचयिता माघ है। पीत्वा रसम तू कुटुंबकम मधुम समानम माधवे में जनयेत मधुमक्षी का सु हम अन्वय के अनुसार करेंगे। असौ यह मधुमक्षी का मधुमक्षी तो या मधुमक्खी तो यह मधुमक्खी तुमिसो कटुकम कटुकम कड़वे रसम रस को पीत्वा पीकर मधुम मधुरता के समानम समान माधव्य में माधव्य का ही या शहद का ही जनयेत निर्माण करती है। यह मधुमक्खी तो तुमिसो यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधुरता के समान माधुर्य का ही यानी शहद का ही जनयेत निर्माण करती है। संत उसी प्रकार से संत सज्जन लोग दुर्जनानाम दुष्ट लोगों के वचन कड़वे वचनों को सुनकर श्रोतामिन सुनकर उसी प्रकार से सज्जन लोग दुर्जन लोगों के या दुष्ट लोगों के कड़वे वचनों को सुनकर संसज्जनानाम सज्जन लोगों के समान मधुर सुक्त रस रसम सृजंती मधुर सुक्त के रस वाली वाणी का निर्माण करते हैं। सृजंती क्या होता है? निर्माण करना। और मैं थर्ड का कवि बताना भूल गई थी, ये मनुस्मृति से लिया गया है और इसके कवि मनु जी है। आशा करती हूँ कि आपको शब्द और चार श्लोक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थ्री श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आज हम संस्कृत का आठवीं कक्षा का संस्कृत का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानी सोमी सुंदर भाषितानी वचन सुंदर वचन। पहले हम शब्द अर्थ करेंगे और कुछ श्लोकों की हिंदी करेंगे या सरलार्थ करेंगे। प्राप्य प्राप्त करके सुस्वादु तो या स्वादिष्ट जल पर भवंती उत्पन्न होती हैं। भवंत्य क्रिया पीने योग्य नहीं होते। विहीन रहित विषाण हीन सीम के बिना खादन भी खाते हुए भी जीव माने जिंदा रहता हुआ बार देयम सौभाग्य व्यसनी ने बुरी लत वालों की। जनयेत मधुमक्षी का असौ यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है या उत्पन्न करती है। श्रुत्वा सुनकर विहाय छोड़कर देवम भाग्य मूल जड़ बलकल पेड़ की छाल दारू भी लकड़ियों के द्वारा प्रदीप्ते जलते हुए विमुखम निराश यान्ति जाते हैं। विपदान विपत्ति प्रतिक्रिया उपाय चिंतनिया सोच लेना चाहिए। कूप खननम कुआं खोदना बहनीना आग द्वारा बहनीना आप दो प्रकार से लिख सकते हो। एक तो है के पैर में न है या फिर है को हलंत कर सकते हो बहनीना आग द्वारा। अब हम करेंगे सरलार्थ। पहला सरलार्थ है गुणा गुणेशु गुणा वंती के निर्गुण प्राप्य वंती दोषा सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्य समुद्रम आसाध्य भवन्ता अपेया। हमें किस प्रकार से सरलार्थ करना है? पहले लिखा है हमने संकेत। संकेत में पहला अक्षर और पश्चात वाला शब्द लिखना है। पहला शब्द क्या बनेगा? गुणा और बाद वाला क्या बनेगा? अपेया। जब हम अभी यहाँ पे संधि या संधि छेद करेंगे तो भवन्ति अपेया हो जाएगा। पहला शब्द क्या बना? गुणा और बाद का क्या बना? अपेया। उसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक।